पता है गाइस क्यों हुआ ये ऐसा? मैं उसकी वीडियो बना रहा था, ये पानी की बोतल 15 रुपये में, इसलिए उसने 15 रुपये का दिया, नहीं तो 20 का बोलता वो, मुझे पता था। मैं वीडियो बना रहा था ना, इसलिए 15 का बोला उसने। तो गाइस स्लीपर क्लास में पहुंच गए हैं, और स्लीपर क्लास का हाल देखो ऐसा है कुछ इसका इंटीरियर अंदर से स्लीपर का। 26 एक बार इसका सेकंड एसी है, सेकंड एसी आगे है। तो गाइस ऐसा है कुछ अपना सेकंड एसी केरला एक्सप्रेस की। गाइस ये देखो, ये होती है कूप, ये जो है सेकंड एसी का कूप है भाई साहब। फर्स्ट एसी जैसा लग रहा है ना इसमें, सामने मिनर है अपना। खैर इसमें तो आज जर्नी नहीं कर रहे अपन, 26 को करेंगे। तो आज यही देखने आने वाला था कि कैसा है, काफ़ी मस्त ट्रेन अंदर से। और ये जो कूप जैसा है ना, फर्स्ट एसी जैसा है ना, सेकंड एसी का ही। तो एक सेकंड, अभी थर्ड एसी का इंटीरियर देखते हैं। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, मेरा नाम है दिलखुश। तो गाइस अभी शाम के 3 बज रहे हैं। तो गाइस आज की जर्नी, आज जर्नी नहीं बोलते, आज कुछ स्पेशल है हमारी जर्नी ना। 26 तारीख को नई दिल्ली से महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र नागपुर के लिए होने वाली है। और हम ना जैसे केरला एक्सप्रेस में हमारी जर्नी होने वाली है, ट्रेन नंबर है 1212626, यानी कि केरला एक्सप्रेस में हमारी जर्नी होने वाली है नई दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर। ये जो ट्रेन है ना, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम साउथ की ओर जाती है, बट हमें नागपुर तक जाना है, नागपुर तक मेरी जर्नी होने वाली है नई दिल्ली से। इस ट्रेन के बारे में काफ़ी सारे कमेंट सुनने में आए हैं कि ये ट्रेन 4 घंटे, 8 घंटे, 2-2, 3-10 घंटे लेट रहती है ये ट्रेन। तो गाइज, और ये ट्रेन कोई पैर दिखाता है कोई, अभी मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, कोई पीली ट्रेन दिखाता है केरला एक्सप्रेस ही, ट्रेन नंबर वही है 1212626, 5 अंक है 1-2-6-2-6 केरला एक्सप्रेस। कोई पीली ट्रेन दिखा रहा है, कोई रेड कलर की ट्रेन दिखा रहा है, कोई नीली ट्रेन दिखा रहा है, यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी टिकट इसी में है नई दिल्ली से नागपुर के महाराष्ट्र के बीच, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कोई बता रहा है 8 घंटे लेट है, कोई कहता है कि 10 घंटे लेट रहती है, ऐसा सुनने में आया। फ्रेंड लोग भी बोलते हैं जो गए हैं ना, उनसे भी मैंने पूछा है, तो वो लोग भी सेम यही बता रहे हैं। मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ यार, ऐसे ऐसे 10-10 घंटे लेट रहेगी तो यार कैसे चलेगा, मेरा काम है वहाँ पे। तो एक बार ना वहाँ चल के विज़िट करते हैं, मैंने सोचा एक बार चल के उसको देखते हैं कि कौन से कलर की ट्रेन है, कितने घंटे लेट रहती है। और ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से प्लेटफॉर्म नंबर 10 से रोज़ाना जाती है केरला एक्सप्रेस, एक बार चल के विज़िट कर लेते हैं, ट्रेन का इंटीरियर देख लेते हैं, कलर देख लेते हैं कि कैसा है। हाँ जी, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, आप देख सकते हो यार आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पे। सो गाइस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर अपनी EMU लोकल ट्रेन आने वाली है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। वो आए तो हम दिल्ली जाएं और अपना केरला एक्सप्रेस को भी विज़िट करें कि हाँ भाई उसका क्या चक्कर है, कैसे लेट रहती है, एक बार उसको भी विज़िट करके देख लेते हैं क्या रीज़न है, क्या इशू रहती है उस ट्रेन में। तो गाइस एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, हमारी जो ट्रेन है EMU वो आधा घंटा लेट चल रही है, यानी कि वो पलवल से बल्लभगढ़ यानी वहाँ से वो आधा घंटा लेट चल रही है। इसका यहाँ टाइम था बल्लभगढ़ पहुँचने का 3:30 बजे पहुँचा, 3:30 पर यहाँ पहुँचने का समय था, अब ये पहुँचेगी 4 बजे यहाँ पर, तो आधे घंटे की देरी से चल रही है ये ट्रेन। तो चलो उसका वेट करते हैं और आती होगी अपनी ट्रेन। तो गाइज़ ये जो ट्रेन है दिल्ली से शायद से गाज़ियाबाद से यहाँ आई है, और बल्लभगढ़ में भाई साहब भीड़ देखो, एक सेकंड रश चेक करो गाइज़, ये जो है ना इसको बोलते हैं लोकल ट्रेन की रश। भाई मुंबई में तो इससे भी ज़्यादा तगड़ा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, अपनी जो ट्रेन है आधा घंटा नहीं 1 घंटा डिले चल रही है, पलवल से 1 घंटे की देरी से चल रही है, यानी कि
3:30 का यहाँ टाइम था, 1 घंटा डिले है, यानी कि 4:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बल्लभगढ़ आ जाएगी। तो चलो उसका वेट करते हैं, तब तक यहाँ मौज मस्ती मारते हैं। फाइनली अपनी भी EMU आ गई है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। तो ये अपनी EMU। सो गाइस फाइनली अपन ट्रेन के अंदर चढ़ गए और अपना ट्रेन के अंदर का इंटीरियर देखो यार, कुछ ऐसा है ना, काफ़ी बढ़िया। लोकल EMU दिल्ली की, और इधर से ऐसा है।
गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली यानी अपनी देश की राजधानी, और अपनी जो EMU थी लोकल ट्रेन वो खड़ी है हमारे सामने, बिल्कुल सामने। इंजन के सामने ही आया था मैं, और हमारी जो है इंजन भी यहीं खड़ी है ना, इंजन के अंदर ही समझ लो, एक तरह के इंजन के अंदर ही से हम, तो हमारे सामने खड़ी है। देखो भाई ये खड़ी है EMU लोकल 044437, और इधर सामने जा रही है श्री गंगानगर भिवानी की ओर जा रही है ट्रेन। तो गाइस अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, जो कि केरला एक्सप्रेस है ना, वो वहीं से जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। तो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे चलते हैं और वहां से आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं, कैसे जाना है। तो चलो चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म नंबर 10। 6:05 यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 6:05 हो रहे हैं अभी, और हम इस समय हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2, और ये थी हमारी ट्रेन। ये खड़ी है अब हमारे सामने बेनाम ट्रेन, जिसका गाइस कोई नाम ही नहीं है, पूरे देख लो यार कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है, जो इनके जो टैग रहते हैं ना, तो इस ट्रेन का क्या है ना, टैग भी नहीं लगा हुआ है, जो बैनर लगा के रखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेनें जा रही हैं वो भी नहीं लगा उसका। देखो यार यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन है नहीं अब। तो यार अपने को क्या करना, अपना तो बस वॉशरूम जाना है, बस वॉशरूम करके नीचे उतरना है बिना नाम वाली ट्रेन। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, देखो यार इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है, देखो इधर ये ऐसा जर्नल होगा, इधर बैठने का है लंबा, ये जर्नल वाली है, इनसे समझ में आ रहा है ना, ये जो है ये जर्नल कोचेज है। आगे चलते हैं यार, लेडीज़ कंपार्टमेंट, तो ये है लेडीज़ कंपार्टमेंट बोगी। सर गाइस देख सकते हो आप अंदर से, इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है जर्नल क्लोज का, और चलते हैं इसके वॉशरूम के अंदर। तो गाइस कुछ ऐसा है वॉशरूम, अरे यार हम तो बस ऐसे ही चढ़ गए किसी भी ट्रेन के अंदर इंटीरियर दिखाने के लिए, अपना मेन तो है कौन सा है केरला एक्सप्रेस, उसको देखेंगे ना, ये तो पता नहीं बेनाम ट्रेन है क्या नाम है इसका, आता पता नहीं है कुछ भी। तो चलो पहले केरला एक्सप्रेस देखते हैं, वॉशरूम टॉयलेट करने के बाद चलते हैं। तो गाइस आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम सच्ची में नई दिल्ली में हैं यार, आप एक बार देख लो, ये दिखा है यहाँ पर नई दिल्ली। तो गाइस अपनी EMU प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी तक खड़ी है, देखो यार ये इसी से हम आए थे, अभी तक यहीं खड़ी है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर, ऊपर मेंशन भी हो रहा है नई दिल्ली। यहाँ से चलते हैं अपन ऊपर से ही जाएंगे ना, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पटरी पार करके जा नहीं सकते। तो गाइस एक बार ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल के देख लेते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इनकी। तो चलो एक बार यहाँ से उतरने का नीचे, भाई साहब भीड़ देखो, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो यार गाइस देख सकते हो यार प्लेटफॉर्म नंबर 1 भाई साहब काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, काफ़ी मस्त अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं यहाँ, वो फिनॉइल की खुशबू तो होती है ना, वो फिनॉइल की जो खुशबू होती है वो आ रही है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 भाई साहब क्या मस्त बना रखा है, हाँ यार। सो गाइस ये देख सकते हो आप, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वेटिंग रूम, ये वेटिंग रूम है भाई साहब यहाँ का। तो गाइस ये देखो यार, तो देखो यार गाइस ये है वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, है ना बढ़िया है ना, यहाँ का ये देखो यार सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे यार, यहाँ से यहाँ तक। एक बार ये इंटीरियर देख लो यार गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर नई दिल्ली 1 का यार मस्त लग रहा है, यहाँ पे अलग सी फीलिंग आ रही है एक, है ना देखने में यार प्लेटफॉर्म नंबर 1 भाई साहब काफ़ी मस्त है ये यार।
अरे गाइस यहाँ पे आके ना एक अलग सी फीलिंग आ रही है। रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए ना तो अलग सा फीलिंग सा आ रहा है। तो क्या पता नहीं क्या होता है, वो हो रहा है। नई दिल्ली की ये रूम दे बोले यार, यहाँ पे ना खाने पीने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ भूख लगा है, कुछ भी लगा हो तो यहाँ पे आके खा सकते हो आप। ये जो है ना सब कुछ प्लेटफॉर्म नंबर एक पे ही है। वेस्टर्न इंडियन वेज हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, सब कुछ ये तो प्लेटफॉर्म नंबर एक पे मिलेंगे आपको। तो ये देख लो एक बार, पूरा देख लो इसे अच्छे से। यहाँ पे आए हैं इस रूम में तो कुछ ठंडा ले लेते हैं, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अमूल कूल ले लेते हैं, एक बार पूछते हैं अमूल कूल है कि नहीं है अमूल के इससे स्टॉल से। पानी बोतल देना, पानी की एक बोतल दे दो। कितने का है? 15 का है। तो ये हमने लिया पानी की बोतल, ये लो। तो ये हमने गाइस पानी की बोतल ले ली है IRCTC का, 15 रुपये का पड़ा है ये, और रेट भी 15 का ही है तो 15 का ही मिलेंगे। पता है गाइस क्यों हुआ ये ऐसा? मैं उसकी वीडियो बना रहा था, ये पानी की बोतल 15 रुपये में, इसलिए उसने 15 रुपये का दिया, नहीं तो 20 का बोलता वो, मुझे पता था। मैं वीडियो बना रहा था ना इसलिए 15 का बोला उसने। तो यहाँ लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 10, चलो 10 नंबर 10 के लिए इधर जाना होगा। अभी सूत्रों से ये पता चला है कि जो अपनी केरला एक्सप्रेस है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। सूत्रों से ये पता चला है। तो वैसा मैं दिखा देता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आया था, वापस 3 पे जाना होगा। वैसे मैं 3 पे ही था पहले, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हूँ। एक बार आपको दिखा देते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हूँ। ये देख लो, ये जो मेंशन कर रहा है ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 10, तो गाइस एक बार ये देख लो, प्लेटफॉर्म नंबर 10 मेंशन कर रहा है, दिख नहीं रहा होगा वैसे मैं। तो गाइस यहाँ दूर दूर तक कहीं 10 लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं दिखाऊंगा यार, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आया हूँ। 3 पे था पहले, 10 पे आया है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा ना, इनमें जो मेंशन करके आ रहे हैं LED पे, उनके हिसाब से दिख नहीं रहा है। देखोगे एक बार, 18:46 हो रहा है तो, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। एक बार ये देखो यार, NDLS प्लेटफॉर्म नंबर 10, ये आगे 18:46 हो रहा है। तो ये देख लो गाइस, 18:46 हो रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 10 बहुत आगे है यार। तो गाइस कोई बात नहीं, आगे तक चलते हैं, कहाँ कहीं ना कहीं तो मिलेगा लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 10, कहीं नहीं है। देखो यार एक बार। तो गाइस फाइनली ढूंढते ढूंढते हमको प्लेटफॉर्म नंबर 10 लिखा हुआ मिल गया है, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं करते ना। अभी आपको वहीं लेके चलते हैं, लिखा हुआ मिल गया हमको, चलो। तो भाई साहब ध्यान से देख लो, प्लेटफॉर्म नंबर 10 लिखा हुआ है यहाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 10। उसने दूर से यहाँ ये दिखाने के लिए आया मैं। तो भाई एक बार ये प्लेटफॉर्म नई दिल्ली की चेक करो यार, कितनी ज़्यादा सफाई हुई पड़ी है, कितना मस्त लग रहा है, एक बार देख लो यार, है ना, गजब का है यार, मस्त लग रहा है। रात में तो और ज़्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ अलग सी फील आती है यार, यहाँ कोई अपना ना भी रहे ना तब भी अपना मन लगेगा यहाँ पे, ऐसा है यहाँ। कोई रहे चाहे ना रहे, मुझे तो बड़ा खुश, हैप्पी, आई एम हैप्पी आल्सो हैप्पी। ये देखो यार, फाइनली अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट कर दी गई है, 12626 यानी कि केरला एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, और नई दिल्ली की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। यहाँ है ना नई दिल्ली, तो उसको दिखाते हैं उसका अराइवल टाइम दिखाते हैं आपको, 7:26 यानी कि पहले आ गई, यानी कि उसकी 8:30 यहाँ से चलने का टाइम है, 8:10 पे यहाँ से चलने का टाइम है उसका। तो 7:26 पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है अपनी केरला एक्सप्रेस, तो जो कि मेरे आंखों के सामने आप देखो गाइस एक बार, ये आ गई अपनी केरला एक्सप्रेस। नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये है, नागपुर
तिरुवनंतपुरम साउथ की ओर जाने वाली। एक बार यहाँ पे भी ध्यान दे लेते हैं, तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली, तो ये है केरला एक्सप्रेस। और गाइस एक बार इस ट्रेन की भीड़ देखो भाई साहब, जर्नल का हाल देखो एक बार। गाइस गाइस ट्रेन रुकी नहीं और भीड़ देखो भाई, चलती ट्रेन में चढ़ रही है। ये है अपनी जर्नी, 26 तारीख को इसी से होने वाली है। भाई साहब जर्नी करने टाइम यार यही होता है, बच्चे को लेके जाना ऐसा ही होता है भाई साहब। बच्चे को जर्नी लेकर के करने में, जर्नल में बच्चे को लेकर जर्नी करने में यही होता है, देखा ना आपने। और चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं भाई साहब, ट्रेन रुकने का भी इंतजार नहीं है। अब एक बार देखो यार ये अपनी केरला एक्सप्रेस, 26 तारीख को अपनी भी जर्नी इसी ट्रेन से होने वाली है, नागपुर यानी महाराष्ट्र तक नई दिल्ली से। ठीक है, तो एक बार इसका इंटीरियर देख लेते हैं अंदर से, थर्ड एसी और स्लीपर का। मेरी जो टिकट है स्लीपर क्लास की, एक बार थर्ड एसी और स्लीपर का इंटीरियर देख लेते हैं। अगर स्लीपर में भी ज़्यादा भीड़ रही ना, ऐसी भगड़ मची रही, तो मैं एसी का करवा लूँगा। चलो एक बार चलते हैं, एक बार इंटीरियर आप लोगों को दिखा देते हैं इस ट्रेन का, थर्ड एसी, सेकंड एसी का और स्लीपर का कैसा है। चलो भाई साहब ये है अपनी केरला एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ गई है। तो इसके अंदर चलते हैं अभी, कैसी है इसकी। पहली एसी से ही चढ़ जाते हैं और क्या। तो ये जो है फर्स्ट एसी, टू एसी होगा ये तो फर्स्ट एसी है। यहाँ जो है ना अंधेरा हो रहा है अभी, हमें B6 कोच के पास। ये देखो यार यहाँ लिखा हुआ है, देखो B6। एक बार इसका इंटीरियर देखते हैं अंदर से कैसा है। और गाइस इसमें भी काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, काफ़ी लोग जर्नी करते हैं, भीड़ की भसड़ मची पड़ी है। और अंदर की भसड़ देखते हैं कैसी है, एक बार चल के इसमें। ये सेकंड एसी है, सेकंड एसी आगे है। तो गाइस ऐसा है कुछ अपना सेकंड एसी केरला एक्सप्रेस की। गाइस ये देखो, ये होती है कूप, ये जो है सेकंड एसी का कूप है भाई साहब। फर्स्ट एसी जैसा लग रहा है ना इसमें, सामने मिनर है अपना। खैर इसमें तो आज जर्नी नहीं कर रहे अपन, 26 को करेंगे। तो बस यही देखने आने वाला था कि कैसा है, काफ़ी मस्त ट्रेन अंदर से। और ये जो कूप जैसा है ना, फर्स्ट एसी जैसा है ना, सेकेंड एसी का ही। तो एक सेकेंड अभी थर्ड एसी का इंटीरियर देखते हैं एक बार। ये वो है थर्ड एसी, मैं सेकेंड एसी को थर्ड एसी में केरला एक्सप्रेस 12/26। ये है अपना थर्ड एसी, ये देख सकते हो आप थर्ड एसी का इंटीरियर। अपनी तो जर्नी भाई साहब इसमें 26 को होने वाली है, लेकिन एक बार इसका इंटीरियर देखना था ना, तो एक बार इसका इंटीरियर देखना था हमने, देख लिया। अभी 26 को मिलते हैं इस ट्रेन से, अभी केरला एक्सप्रेस है। और गाइस इसकी भसड़ देखो एक बार, कैसी भसड़ मची पड़ी है थर्ड एसी का भाई साहब। अंदर से देखो एक बार, यहाँ से दिखाऊं, ये देखो यार है ना थर्ड एसी की भसड़ है। होता है ना, लोगों को पता नहीं रहता, कोई सी कोच में घुस जाते हैं, उन्हें पता वाता रहता नहीं, किसी दूसरे कोच में घुस जाते हैं। तो बस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इसका। आप स्लीपर में चलते हैं एक बार, स्लीपर का भी हाल देखते हैं एक बार। थर्ड एसी का तो मस्त था यार, तो इसका स्लीपर कोच यार बहुत आगे है यार।
से आगे चलते हैं, अभी स्लीपर कोच के हैं, एसी एसी के लगे हुए हैं आगे, स्लीपर आगे होगा, पीछे होगा, सॉरी पीछे ये है ना ट्रेन यहाँ से, तो अपना स्लीपर कोच शायद से पीछे साइड है, तो पीछे साइड चलते हैं। स्लीपर क्लास में पहुंच गए हैं और स्लीपर क्लास का हाल देखो, ऐसा है कुछ इसका इंटीरियर अंदर से स्लीपर का, कुछ ऐसा है अपना स्लीपर का इंटीरियर, मतलब झोपड़ी से स्लीपर ही है। तो यार ऐसा कुछ है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, आगे वाले में चलते हैं। ये था S6 S5, ये है S5। हाँ तो इसमें रश कम है और इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई साहब, ये देखो यार नीली नीली लाइटें स्लीपर क्लास की, इसमें उतनी भाकड़ नहीं है जितनी वो उसमें थी यार आगे वाली में, केरला एक्सप्रेस तो गाइस। तो गाइस अभी जो है 19:44 हो रहे हैं, ये देखो यार 19:44 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है, तो फिर अपन जो है 5 नंबर पे चलते हैं और वहाँ से अपन फरीदाबाद जाएंगे। तो ये थी हमारी जो है केरला एक्सप्रेस। सो गाइस फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन बल्लभगढ़। ये देखो यार अपना आए थे ये डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री वैष्णो देवी कटरा। तो ये जो ट्रेन थी ना श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर जा रही है और हम पहुंच गए बल्लभगढ़ नई दिल्ली से, और ये इधर सामने खड़ी है अपनी श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ अंधेरा है, ये जो ट्रेन है ना इस ट्रेन का नाम है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस वैष्णो देवी कटरा, ये खड़ी है अपनी बल्लभगढ़। देखो यार श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो अपन इसी से आए थे नई दिल्ली से बल्लभगढ़, अब यहाँ से अपन घर निकलते हैं मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।